हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आई एस क्लासरूम प्यारे विद्यार्थियों आज द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस मुझे चार घंटे से ज्यादा लगे आपके तीन घंटे बचे आज कम से कम इतना लेंथी अखबार थे दोनों इतने क्वेश्चन निकाले बाईस क्वेश्चन निकाले और दो तीन और भी निकल सकते हैं अब ये देखिए रोजाना यदि आपके दो घंटे न्यूज पढ़ने गए दो न्यूज पेपर घंटे बच जाए आपके 730 घंटे बच जाएंगे एक साल में 730 घंटे यदि 10 घंटे भी रोज पढ़ते हैं तो हम सेवेंटी थ्री डेज वो जो है 730 घंटे आप जीएस पेपर वन टू थ्री फोर एस में और ऑप्शनल में लगा सकते हैं दूसरा अब आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा एक तो मान लिया फरवरी में आपको किसी ने कह दिया किसी न्यूज पेपर के पे बगैर तो हो ही नहीं सकता मेरे जैसा मेंटर मिल गया आपने कन्विंस हो गए आपको फॉर्मो हो जाएगा स्ट्रेस आ जाएगा जबरदस्त और आप ये सोचोगे कि इस बार दो का तो छोड़ देता हूँ मेरा करंट तैयार नहीं करंट अफेयर्स वो आपका जो है बिल्कुल जीरो स्ट्रेस पे ला दिया मैंने और तो इस कोर्स को डिजाइन इस ढंग से किया गया है पूरे साल के लिए कि आपका प्रीलिम्स सेफली हो जाए फर्स्ट चांस में आपको उसी दिन पता चल जाए मेरे तो क्लियर हूं क्यों क्योंकि सारे एमसीक्यू ठीक हो जाएंगे करंट अफेयर के तो एक तो जो आपके रॉन्ग आंसर के जो पेनल्टी लगनी थी वो बंद हो जाएगी मान लिया आपने करंट अफेयर के तीस क्वेश्चन ठीक कर दिए नंबर तो सीधे ही आ आगे आपके फिर आप स्टैटिक पार्ट जो है मैं आपको सिखाऊंगा एनसीआरटी पढ़ना मोक टेस्ट दूंगा अभी जल्दी बना के जैसे ज्योग्राफी का दूंगा उससे आपको यह पता चल जाएगा मेरे कैसे पढ़ना है क्योंकि हम एक तो एक्सरसाइज नहीं करते उसकी पिछली उसमें एमसीक्यू भी है और सब्जेक्टिव भी है हर एक चैप्टर के क्योंकि वो प्रोफेसर ने बनाए हैं जो पेपर सेट करते हैं इस कोर्स के बाद आपको इतनी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा कि आपको टाइमली एमसीक्यू मिलते रहेंगे मेन के मिलते रहेंगे न्यूज एनालिसिस से पता चलता जाएगा आपको क्या मेन में कैसे लिखना है मैंने रोजाना आप नोट्स बनाएंगे सपना भी खत्म हो गया तो अश्योर सक्सेस है क्योंकि इसमें मेरा जो है ये कोर्स की डिजाइन ये है कि आपका प्रीलिम्स सेफली और मेन में, में रैंक आए पहली बार में और आएगा अब हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज क्या है द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस फिर एनसीईआरटी इस बार एग्जामिनर ने बता दिया और मेन में भी मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा था सारे एनसीईआरटी से आते हैं बिल्कुल नहीं डरना ये नहीं सोचना भी पता नहीं एनसीईआरटी के बाद क्या करो होमो मत रखो एनसीईआरटी में ही बहुत कुछ है ये वो पूरी बाइबल है एनसीआर रहेगा हमारा न्यूज पेपर तो है ही उसके बाद इंडिया ईयर बुक आपने नहीं पढ़नी मैं पढ़ूंगा आपके लिए क्वेश्चन बना के और आंसर बना के दे दूंगा फिर हिस्ट्री के बुक टेस्ट मॉडल आंसर मेन के लिए ज्योग्राफी के साइंस के एंशंट इंडिया मेडिवल इंडिया मॉडर्न इंडिया ये आपको और करंट अफेयर के अभी मैं शुरू कर दूंगा आपको जुलाई में अभी एक जुलाई से मॉडल आंसर कैसे लिखे जैसे मैंने कल जो है वीडियो में एक मॉडल आंसर बना के दिखाया आपको कल मैंने ऑयल पोल्यूशन बनाया इस तरह से मान लिया मैं आपके 200-300 क्वेश्चन इस साल ही तैयार करा दूंगा 2025 और 2024 के 2024 को भी फायदा हो जाएगा जो बच्चे ने कोर्स किया है मेरा और 25 में मान लिया 200 क्वेश्चन मेंस्ट्रा तैयार हो गया आपके आप ये देखना जैसे मैं के कह रहा हूं ना रोजाना क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह मैं मेन के दिखाऊंगा चौबीस में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और पच्चीस में डायरेक्ट आएंगे और मैं बताऊंगा कैसे मॉडल आंसर आपने पूरे नंबर कैसे लेने और इससे क्या होगा छह महीने के बाद मीन्स दिसंबर के बाद आप विजुलाइज करेंगे अपने अंदर के हम जो है ग्यारह लाख बच्चों में सबसे आगे चल रहे हैं तो मुझे पता है तो हम मिलके मेहनत करेंगे दस दस पंद्रह पंद्रह घंटे रोजाना वो आपके ऐड हो जो मैं मेहनत कर रहा हूं ना आपने सर्च नहीं करना कुछ भी मैं सर्च करूंगा मैं इतना मेटेरियल सर्च करता हूं पेपर सेटर बनकर आप सोच नहीं सकते रोजाना आपने सिर्फ याद करना है मल्टीपल रिविजन देने अब ये स्लाइड मैं इसलिए बनाया लाया हूं कि ये डायरेक्ट हिट करेगी एग्जाम में देखो इस बार टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन आई दो नंबर और मेन में आपके चार पेपर हैं जीएस वन टू तो, थ्री फोर मैं आपको बताता हूं कम से कम पंद्रह से बीस डेफिनेशन आएंगे मैंने बता दिया स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्राइम कर लो मान लिया आपके तीस नंबर डेफिनेशन की वजह से आगे मेन में तो रैंक इस तरह से रैंक आएगा मेरे स्टूडेंट्स का मैं डेफिनेशन प्रिपेयर कराऊंगा आपके साथ में मिलके मैं हमेशा जो है जब भी आपका कोई भी मेन का मोडल आंसर देता हूं सबसे पहले डेफिनेशन देता हूं तो दो नंबर डेफिनेशन के हर क्वेश्चन में दो नंबर डेफिनेशन के होते हैं ये कोई नहीं बताएगा आपको ये देखिए जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्लेशन इन्फ्लेशन बैंक रेट ऑयल पोल्यूशन सॉयल पोल्यूशन ऐसे हजारों डेफिनेशन है मैं कराऊंगा मैं रोजाना बताता हूं मैं डेफिनेशन सबसे पहले निकालता हूं आपकी न्यूज पेपर से चाहे वो हिंदू है इंडियन एक्सप्रेस है या कोई एनसीआरपी है तो ये आपने ये स्लाइड आप कई बार देखो अभी ओपिनियन पेज पे आया है यूरोपियन यूनियन का चेट कंट्रोल चेट कंट्रोल पे ये ला लेके आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन पहले यूनियन ए, ए पे ला जो है ये पास हो गया इनका वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ है अब इन्होंने प्रपोज किया यूरोपियन यूनियन कि चैट कंट्रोल लॉ इट हैज बिकम ए बोन ऑफ इस आर्टिकल को पढ़ना है ये क्वेश्चन आप देखिए जो मैंने बनाया ना वो कोई कोई बच्चा कर पाएगा ग्यारह लाख में ऐसा क्वेश्चन दो तीन जरूर आते हैं हर पेपर में मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत सारे दूंगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो और मार्क्स भी आपके दस में से सात साढ़े सात आए अब ये मैंने क्वेश्चन निकाल दिया डिस्कस द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन प्रपोज चैट कंट्रोल लॉ ऑन द पर्सनल प्राइवेसी एंड डिजिटल सिक्योरिटी प्राइवेसी हाउ कैन वी बैलेंस दाइल्ड सेफ्टी एंड प्राइवेसी है अब यह पंद्रह नहीं आ सकता यदि ये में आज लेके नहीं आता तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये हमें मिलता ही नहीं अब इसका हम आपको मॉडल आंसर बना के देंगे और आपने जो है रोजाना ये चार पांच न्यूज ऐसे होते जिसका मॉडल आंसर आपने बनाना है बाकी मसी क्यूज निकालने की आपको जरूरत नहीं है वो छोड़ सकते हो न्यूज जो फैक्ट्स वाली है वो मैंने निकाल दी सिर्फ आपने समय बचाने के लिए जैसे जैसे आप चैट कंट्रोल ला है ये इस पे लिख लो आप इसमें से मेरे पे डिपेंड मत रहो मैं बाद में निकाल के दूंगा आपको फिर मिलाएंगे फिर जो है वेल्यूएट करेंगे एक बार निकालो इसमें से दस पंद्रह लाइन बीस लाइन उसके नोट्स बना लो ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए लगातार लिखने की प्रैक्टिस बच्चों को नहीं है नाइनटी नाइन परसेंट को वो अपने सुधारो अब ये इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है इसमें एक तो ये बताया गया माइक्रो आर क्या होता है ये मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है हालांकि मैंने जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री के कई कोर्सिज पढ़े आज फर्स्ट टाइम सुना है माइक्रो आर एन ए मी आर इस आर्टिकल को पढ़ के इसके आपने इस तरह की जो है ना कंसेप्ट मी आर क्या होता है इसका क्या रोल है और तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या नई रिसर्च हो रही है डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब ये कह रहे हैं ड्रॉप ऑफ ब्लड से हो जाएगा तो इस आर्टिकल को पढ़ के जितना समझ आता है दो तीन लाइन इसमें लिख लो अब इसमें जो है ब्लैक सी पोर्ट लिखा हुआ है कहां पे है ये पूछ सकते लोकेशन में पेयर में तो आपको पता होना चाहिए दैट इज इन क्रीमिया अब लिमिट एंड एक्सर ऑडिटोरियल है क्रीमी लेयर शुड बी कैप्ट आउट बट द दिलिंग ऑन कोटा इज आर्टिफिशियल अब इसमें क्या है कि बिहार गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी जिन का जो है वो अठारह से पच्चीस परसेंट करना चाह रहे हैं कोटा अब फिफ्टी परसेंट सीलिंग लगा दी टोटल रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनी नाइन जज वर्डिक्ट आया था १९९२ में और उसमें एक छूट दे रखी है और पटना हाई कोर्ट ने की जजमेंट आई है भाई आप पचास परसेंट ज्यादा सीलिंग नहीं कर सकते सोशली तो एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए और इंदिरा साधी ने भी यही कहा था केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी फिफ्टी परसेंट से एक्सेप्ट स्पेशल सरकम एक्स्ट्रॉर्डनरी सरकमस्टांस में कहा था कि हो सकता है बढ़ सकती है लेकिन एक्स्ट्राडनरी मान लिया कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लेकिन जो ई डब्ल्यू एच की आई रिजर्वेशन वो जो है वो इससे हटके हैं टेन परसेंट वो सोशली एन बैकवर्ड नहीं है वो अलाउड थे तो ये आप इस तरह के आर्टिकल पढ़ोगे तो आपका का और मेन क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे नोट करते जाओ और स्पीकर पे रोजाना एक आर्टिकल आ रहा है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में और ये आर्टिकल आ रहे हैं जो लक्ष्मीकांत में नहीं है मैंने सारे निकाल दिए जैसे आज मैंने बीस क्वेश्चन निकाल दिए बीस स्टेटमेंट जो लक्ष्मीकांत में कहीं नहीं है उसमें अब ये देखिए इसमें किस इस तरह से क्वेश्चन मैंने जो ना फ्रेम किया है आर्टिकल ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टू टू मेंबर्स बी स्पीकर एंड डिप्टी ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें कई स्टेटमेंट गलत है कोई ठीक है या गलत है ठीक जो भी है आपने ये कॉमेंट बॉक्स में सोल्व करना है मैं आपको बताना नहीं चाहता कौन सा आर्टिकल है क्या है कौन सा शेड्यूल है ये आपने जज करना है अब मिथेनोल के भी रोजाना आर्टिकल आ रहे हैं जब से चेन्नई में तजी हुई है काला कुरुची इलिशिट लिक्वर ये आप जो है ऐसे में दे सकते हैं इस तरह का एग्जाम्पल आपने दे दिया तो दो नंबर रिस्था मिलेंगे आपको काला कुरुची इलिशिट लिक्वर ट्रेजी ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको इसमें से मैंने दो क्वेश्चन निकाल दिए पॉइजनिंग है मिथेनोल पॉइजनिंग है इथेनोल जो है वो कंजम्पशन के योग्य होती है अब ये भी आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में है सोल्व करना है अब ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये मैंने पिछले साल इस पे कई क्वेश्चन दिए चालीस पचास स्टेटमेंट है दस बारह क्वेश्चन है ये बहत्तर हजार करोड़ की प्रोजेक्ट है तो नीति आयोग ने इसको इनिशिएटिव लिया था इसका ब्रेन चाइल्ड है नीति आयोग का ही। अब ये क्या प्रोजेक्ट है क्या है बे वहां पे जो ना एंडेमिक स्पीसीज है वाइल्ड लाइफ है क्या क्या इफेक्ट होंगे एनवायरमेंट क्लियर कैसे हुई इसमें फॉरेस्ट कंपनसेटेशन इसमें दी है नाइन पॉइंट सिक्स लाइट्री काटे जाएंगे जिनका लॉस होगा रेन फॉरेस्ट इको सिस्टम का वो हरियाणा से पूरा किया जाएगा हरियाणा में लगाया जाएंगे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस लिखा हुआ है इसमें जो न्यूज पेपर ने लिखा है तो ये आपने जैसे एनजीटी ने जो क्लियर दी है एनसीएसटी ने वो सारा इसको एक ये क्वेश्चन आपका दस से पंद्रह नंबर का है वो दो नंबर का प्रलिम में आएगा अभी ये आपने सोल्व करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पीवीटी विल बी पीवीटीड बाय ग्रेट निकोबर प्रोजेक्ट अब ये इंडिया इजराइल रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है इस बात अब ये कह रहे हैं कि शायद इंडिया ने जो ना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि हरमिस जो है नाइन हंड्रेड ड्रोन वो जो है सप्लाई किए इजराइल को बट इट इज नॉट ऑफिशियली स्टेटेड अब ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है हरमिस आर बीन इन हैदराबाद लाइक दैट ये आपने देखना है कि क्या है इसमें गलती है क्या ठीक है अब ये ऑर्गेन ट्रांसप्लांट पे है कि फॉर्नर कोई भी जो है नियर रिलेशन से करवा सकता है ट्रांसप्लांट बाकी अलाउड नहीं है इंडिया में ठीक है ना और वो एक्ट है द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ वूमन ऑर्गन टिश्यू एक्ट नाइन नाइन कई साल से क्वेश्चन नहीं आया इस बार मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है क्या रूल है क्या कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं ये सारा आपको मैं बार बार जो है इसके पिछले साल भी लेके आया बहुत सारे क्वेश्चन कौन से ट्रांसप्लांट हो सकते हैं क्या रूल है और इस साल भी ऐसे लेके आऊंगा नोटो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसके क्या इसमें रेगुलेशंस हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है अब बिग शॉट का मैं करीब करीब रोजाना एक क्वेश्चन देता हूं मान लो तीन सौ क्वेश्चन हो गए आपके मजे हो गए अब ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए आप इसमें से ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये बिग शॉट को पढ़ के इसको आपने सोल्व करना है कितना इंपोर्टेंट लॉन्ग मास्ट टू सी रॉकेट इसने लॉन्च किया सैटेलाइट को तो यह आपने जो ना पढ़ के इसको सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में डालो यदि आपने मेरे क्वेश्चन रोजाना सोल्व कर दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन आई टेल यू आपके कम से कम दस नंबर तो ये क्वेश्चन सोल्व करने से बढ़ जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन से 2025 में ये मेरी बात को याद रखना आपने ये वीडियो दोबारा से ये लाइन कही है ना इसमें मैं स्टिक करूंगा तो दस नंबर आपके बढ़ जाएंगे एक दो नंबर से आप कई बार रह जाते हो तो ये क्यों नहीं करो आप इसमें कितना टाइम लगेगा पांच मिनट का काम है अब ये प्लूटोनियम यूरेनियम थोरियम इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है फीसन फ्यूजन ये जब इशारा मिल जाए तो ये सारे हमें क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन देखिए प्लूटोनियम टू थर्टी ने क्या होता है उद्घाटन किया है उसका क्या, क्या रोल है क्या है? ये जो है यूरेनियम प्लूटोनियम न्यूक्लियर एनर्जी इस पर हमारा क्वेश्चन आया कई साल से क्वेश्चन और मेन में भी आ सकता है न्यूक्लियर पॉलिसी अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे इस बार आया ना 2024 में टी पे इससे आएगा इस बार भी किस किस कंट्री में सेंसस हो चुका है 2020 के बाद किस में नहीं हुआ इंडिया के साथ कौन कौन से कंट्री जैसे नाइजीरिया रेड वाले तो है जिनमें हुआ नहीं ठीक है ना जिनमें जिन जो है दो से पहले ही हुआ उसके बाद हुआ ही नहीं और उन्नीस के बाद जो हुआ है वो ये ब्लू में है ये सारे नोट्स में लिख लो इंडिया में नहीं हुआ जैसे इसका जो है आप ये टेबल टू देखिए डायरेक्ट है इसमें हैडिंग भी लिख दोगे ना आप वो तो भी आपके दस में से पांच नंबर आ जाएंगे यूजिज क्या है कहाँ यूज होता है, क्या हो जाएंगे? ये जो ना है टेबल टू का ना क्लियर किया ट्राइबल एरिया में हमारे पास दो का सेंसस है यदि दो का होता तो हमारे स्कूल बढ़ जाते हैं उस एरिया में जो गवर्नमेंट के 2022 में आए ना कि हर एक ब्लॉक में जिसमें स्कूल खोला जाएगा ये डाटा नहीं है हमारे पास सेंसस का दो का है तो स्कूल रह गए हमारे वेलफेयर स्कीम रहेगी दस करोड़ तो हमारे जो है ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में बढ़ जाते इस तरह के जो ना सारा

एक्सप्लेन पेज में आया है। मैंने एक क्वेश्चन बना दिया ये आपको आज मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगा कभी भी ऐसे क्वेश्चन एक बार मिस हो गए तो मिस हो गए ये आपको पता वाइल्ड फायर हुए थे हवाई में दो हजार तेईस में बड़े जबरदस्त उसके बाद वहां के बच्चों ने केस डाला हुआ था दो हजार बाईस में वर्ल्ड फर्स्ट यूथ लेड कॉन्स्टिट्यूशन क्लाइमेट केस डाला था यूएसए में क्लाइमेट पोल्यूशन हो रहा है फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आप क्या कर रहे हो और वो कैसे जीत गए अभी क्वेश्चन देखिए मैंने क्या निकाला वर्ल्ड फर्स्ट यूथ लेड क्लाइमेट केस एड्रेसिंग क्लाइमेट पोल्यूशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वॉज सेटल्ड इन हवाई स्टेट ये आपको किसी मैगजीन में, में, में मेरी गारंटी है मिल ही नहीं सकते मेरे क्वेश्चन क्योंकि मैं जो है अंदर से टून के लाता हूं छुपे हुए और ये आता है मेरा चार डिगेड के एक्सपीरियंस सीखा है मैंने बहुत ही क्रिटिकल स्टडी करने के बाद आते हैं ये क्वेश्चन अब ओथ टेकिंग इन लोकसभा ये आपको नहीं मिलेगा उसमें लक्ष्मीकांत में क्योंकि तो रूल्स क्या है ये पार्लियामेंट के रूल्स में रूल बुक में एक तो आप ये टेबल देखिए सबसे पहले इसमें जो है ये तेईस लैंग्वेज देख रखिये जिसमें के एक एमपी ओथ ले सकता है चाहे वो राज्यसभा को चाहे लोकसभा का आप कहिए तेईस कैसे होगी तो बाईस लैंग्वेज थी भाई बाईस तो हमारी जो ना एथ शेड्यूल की होगी अभी जैसे इस बार आपका एक से क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में नहीं है बाईस तो लैंग्वेज में तो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एट शेड्यूल में और में इंग्लिश में तेईस लैंग्वेज में, में जो है वो ले सकते हैं सबसे ज्यादा हिंदी में लेते हैं पिछले चार जो है ना हमारे दो से उन्नीस तक चार जो है लोकसभा के जो हुए हैं उसमें हिंदी में मैक्सिमम है उसके बाद इंग्लिश में सबसे ज्यादा फिर चेंज होते गए सारे तो पूछ ले आपसे सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज हिंदी में उसके बाद इंग्लिश में इधर पूछ लेते हैं अब ये मैंने जो है आपने जिसमें से बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकाला है ऐसे मैंने चार क्वेश्चन निकाल दिए ये सारे आपको भेज दिए जाएंगे जिन्होंने एनरोलमेंट की हुई है डोंट वरी और मल्टीपल रिविजन देना सारे क्वेश्चन का अब ये जो है भारत हरी मेहताब इज अपॉइंट स्पीकर टाइम कौन से आर्टिकल में है कौन सी लोकसभा में है कौन सा शेड्यूल है ये सारे आपने अपने विवेक से लक्ष्मीकांत पढ़ के कर लो न्यूज पेपर पढ़ के इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आप जो है मेरे सौ बच्चे इसमें कमेंट बॉक्स में लिखने लगे ना दस नंबर बढ़ा लेना आप में दस नंबर मेरी तरफ से प्रलिम में बढ़ा लेना करंट अफेयर के यदि ये सोल्व करने लग ये एज प्रोफेसर बता रहा हूं जिसका क्या डिगेड का एक्सपीरियंस है अब ये आप सभी को पता है कि हर मुस्लिम का ये बताया जाता कर्तव्य है कि उसे आज करनी है मक्का की जीवन में एक बार इस बार क्या हुआ 51 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया होली सिटी और मक्का में और बहुत सारी डेथ हो गई कई कंट्री के जो थे नागरिक तो ये आर्टिकल पढ़ना है हाज की क्या इंपोर्टेंस है सऊदी अरेबिया में कहां पे है मैप में ठीक है मैंने जो क्वेश्चन निकाला है वो देखना अब ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से करना है इसमें कई स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है ठीक है और ये जो चीज आप करते नक्शे में जरूर देखा करो जाके बेरेड सी पोर्ट जडा कहाँ पे है सऊदी अरेबिया में चेक किया करो प्यारे विद्यार्थियों एक तो आप जो है एक प्रोफेसर की बात जो एक्सपीरियंस है पेपर सेंटर के माइंड से रोजानक आपके क्वेश्चन बनाता है समझ लो बिना न्यूज पेपर के करंट अफेयर में मार्क्स नहीं आ सकते कभी भी जिंदगी में चाहे स्टेट सर्विसेज है चाहे सिविल सर्विसेज है या कोई यूपीएससी कोई भी टेस्ट है सीडीएस है कोई भी है और न्यूज पेपर में भी जो है नाइनटी फाइव परसेंट बच्चे क्रिटिकली नहीं पढ़ते आप सभी को पता चल गया जैसे मैं पढ़ता हूं आप खुद बताते हैं और बिल्कुल नहीं डरना चाहे आपको एक शब्द इंग्लिश का नहीं आता मेरे साथ पढ़ते रहो दो महीने में आप जो है एडिक्शन हो जाएगा न्यूज पेपर नहीं आया आज नोट्स बनाते जाओ इसी तरह स्टैटिक के नोट्स बनाते जाओ क्रिटिकली जो किसी को नहीं आते वो आप लिखो मैं बताऊंगा आपको तो हमने प्रिलिम में सेफ हंड्रेड परसेंट सेफ और रैंक लेके आना मेन में ये टारगेट से पूरे साल चलना है और हम जो है मिलके मैं आपके मेंटरिंग कर रहा हूं मैं आपकी कोचिंग नहीं कर रहा और मेरा ये कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है माइंड इट आप सभी को पता है पिछले बार जो थे और बच्चे जो है जितनी बच्चों को खुशी हुई है वो मेरी एनकरेजमेंट है जो पिछली बार बच्चे करंट अफेयर में इतना अच्छा करके आए हैं दो हजार चौबीस में वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जो बच्चे खुश होते हैं इस तरह से मैं चाहता हूं मेरा कोई बच्चा ऐसा ना हो जो प्रिलिम में क्वालिफाई ना कर पाए किसी को शक हो और मेन में जो है बहुत अच्छे मार्क्स आए रैंक आए थैंक यू वेरी मच